हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। इस बात की सत्यता के प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई खुदाई में प्राप्त सामग्रियों से मिलते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश के आदि निवासी दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाने जाते थे। 19वीं शताब्दी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों को अपने राज्य में मिला लिया। जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने गोरखा लोगों को पराजित करके कुछ राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणी से ही घग्गर नदी निकलती है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में सतलुज और व्यास शामिल है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तरांचल में नागतीभा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियां बहती हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाले 5 नदियां एवं छोटे छोटे नाले 12 मासी हैं। इनके स्रोत बर्फ से ढकी पहाड़ियों में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में से 4 का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय ये अन्य नामों से जानी जाती थी, जैसे रिकरी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, अरिजिकिया, व्यास तथा शतदुई। सतलुज 5वीं नदी कालिंदी, जो यमुनोत्तरी से निकलती है, उसका सूर्य देव से पौराणिक संबंध दर्शाया जाता है। हिमाचल में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई की विविधता के कारण जलवायु में भी भिन्नता है। कहीं सारा वर्ष बर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी होती है। हिमाचल में गर्म पानी के चश्मे भी हैं और हिमनद भी है। ऐसा समुद्र तल से ऊंचाई की भिन्नता की वजह से है। पर्यटन उद्योग को हिमाचल प्रदेश में उच्च प्राथमिकता दी गई है और हिमाचल सरकार ने इसके विकास के लिए समुचित ढांचा विकसित किया है, जिसमें जनोपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार तंत्र, हवाई अड्डे, यातायात सेवाएं, जलापूर्ति और जन स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य की आय में 10% का योगदान करता है। राज्य में तीर्थों और नृवैज्ञानिक महत्व के स्थलों का समृद्ध भंडार है। राज्य को व्यास, पाराशर, वशिष्ठ, मार्कंडेय और लोमश आदि ऋषियों के निवास स्थल होने का गौरव प्राप्त है। गर्म पानी के स्रोत, ऐतिहासिक दुर्ग, प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलें, उन्मुक्त विचरते चरवाहे पर्यटकों के लिए असीम सुख और आनंद का स्रोत हैं। चंबा घाटी 915 मीटर की ऊंचाई पर रावी नदी के दाएं किनारे पर है। पुराने समय में राजशाही का राज्य होने के नाते ये लगभग 1 शताब्दी पुराना राज्य है और 6वीं शताब्दी से इसका इतिहास मिलता है। यह अपनी भव्य वास्तुकला और अनेक रोमांचक यात्राओं के लिए एक आधार के तौर पर विख्यात है। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नामक ये पर्वतीय स्थान पुरानी दुनिया की चीजों से भरा पड़ा है और यहाँ राजशाही युग की भव्यता बिखरी पड़ी है। ये लगभग 14 वर्ग किलोमीटर फैला है और यहाँ काट लोग, पात्रे, तेरा, बकरोटा और बलून नामक 5 पहाड़ियाँ हैं। इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर बनाया गया था। इस कस्बे की ऊंचाई लगभग 525 मीटर से 2378 मीटर तक है और इसके आसपास विविध प्रकार की वनस्पति पाइन, देवदार, ओक और फूलों से भरे हुए रोडोडेंड्रॉन पाए जाते हैं। डलहौजी में मनमोहक उपनिवेश युगीन वास्तुकला है, जिसमें कुछ सुंदर गिरजाघर शामिल है। यह मैदानों के मनोरम दृश्यों को प्रस्तुत करने के साथ एक लंबी रजत रेखा के समान दिखाई देने वाले रावी नदी के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करता है, जो घूमकर डलहौजी के नीचे जाती है। बर्फ से ढका हुआ धूलाधार पर्वत भी इस कस्बे से साफ दिखाई देता है।